नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय टेंपल ट्रिप्स पे। दोस्तों, आज हम आपको श्री रामेश्वरम धाम में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थम के बारे में बताएंगे। और अगर आप रामेश्वरम धाम जी की यात्रा पे हैं तो आप इस तीर्थम को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, इसे हम विलुंदी तीर्थम कहते हैं। यह रामेश्वरम के उन आकर्षक समुद्र तटों में से एक है जिसमें एक विचित्र सा आकर्षण है। यह तीर्थम रामेश्वरम के 64 तीर्थों यानी कि पवित्र जल निकायों में से एक है। विलिंदु तीर्थम रामेश्वरम के मुख्य बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक है। लेकिन यहां जाना अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, उसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है और ये तीर्थम इतना आकर्षक क्यों है भक्तों के लिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो मैं बता दूं आपको कि यह स्थान समुद्र तट के अंदर अपनी शुद्ध पानी के कुएं के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि तट से कुछ मीटर की दूरी पर समुद्र के अंदर एक ऐसा कुआं है, ऐसा चमत्कारी कुआं है जिसमें से शुद्ध मीठा पानी निकलता है। लोग कहते हैं कि इसका जो अस्तित्व है वो हमारे महाकाव्य रामायण जी की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब मां देवी सीता को लेकर के भगवान राम श्रीलंका से रामेश्वरम वापस आए तो भगवान राम ने इस स्थान पे एक शिवलिंग को स्थापित करके अनुष्ठान किया था। जब मां सीता ने कहा उन्हें प्यास लगी है तो भगवान राम ने समुद्र में तीर चलाया और वहां से एक झरना बाहर निकल आया जिसमें शुद्ध पानी था और इसी कुएं को आज हम विलिंदी तीर्थम कहते हैं। यहां पर जो शिवलिंग है उसका नाम त्र्यंबकेश्वर है और इस तीर्थम के बगल में ही यह मंदिर है। सो जब आप जाते हैं तो आप पहले मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर विलिंदी तीर्थम के दर्शन करते हैं या पानी को हाथ में लेकर के आप उच्चारण करते हैं। विलिंदी का जो अनुवाद है, मतलब है, वही है तीर से छेदा गया निशान स्थान और तीर्थम का मतलब होता है पवित्र जल, इसीलिए हम इसको विलिंदी तीर्थम कहते हैं। सो अगर आपको इस तीर्थम तक जाना है तो आपको समुद्र में फैले करीब 120 फुट लंबे पुल पे आपको पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप उस कुएं तक पहुंच सकते हैं। जो गाड़ी की पार्किंग है वो आपको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, मंदिर के सामने थोड़ी सी जगह है या उसके पीछे थोड़ी सी जगह है, लाइन से आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जगह नहीं है गाड़ी पार्क करने की, तो अगर आप ऐसे समय पर जा रहे हैं जहां काफी भीड़ होती है तब आपको हो सकता है थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करनी पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आप रामेश्वरम जी की यात्रा पे हैं तो इस जगह को देखना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।